पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को दबा दें ताकि अगली प्रस्तुति आप तक सहज रूप से पहुंच सके। निडरता बालपन की स्वाभाविक वृत्ति, डर को अड़कर दूर भगा दें तो आप निडर बन जाएंगे। एक परिचय स्वामी विवेकानंद के बचपन की कथा कहानी को सुनाता हूँ। वास्तव में नरेंद्र को डर छू तक नहीं गया था। वह किसी से भी नहीं डरता था, वह भूत प्रेत से भी भय नहीं मानता था, जिद्दीपन भी उसमें था, अपनी बात पर अड़ जाता था। वह शरीर से हृष्टपुष्ट भी था, इस कारण वह अपने हमजोलियों का सहज ही अगुआ बन गया था, वही उसका नेता होता था। पड़ोस में एक साथी का घर था, उसके घर में चंपा का एक पेड़ था। नरेंद्र इस पेड़ पर चढ़ जाता था और जांघों की कैची बना पेड़ की डाल को जकड़ कर उल्टा झूलने लगता था। एक दिन नरेंद्र इसी तरह चमगादड़ जैसा उल्टा लटक कर एक ऊंची डाल से झूल रहा था। घर के मालिक महाशय ने जब देखा तो डर के मारे कांप उठे। यदि यह बालक गिर पड़े तो इसका सिर फट जाएगा। बालक को डराने के लिए सोचकर उन्होंने कहा, बेटा आगे से इस पेड़ पर कभी न चढ़ना, इस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है, इसलिए यदि कोई इस पर चढ़ता है तो ब्रह्म राक्षस को क्रोध आ जाता है। नरेंद्र को चुप देख कर उन्होंने समझा बच्चे पर असर हुआ है, पर उनके जाते ही नरेंद्र फिर पेड़ पर चढ़ बैठा और साथियों से कहने लगा, आज तो ब्रह्म राक्षस को देख कर ही जाऊंगा। साथी डर गए, ना बाबा ब्रह्म राक्षस हमें मार डालेगा। नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बातें हम लोगों को डराने के लिए कही जाती है, ब्रह्म राक्षस को आज तक किसी ने नहीं देखा है। निडर बने, बदलते पहर में साथ चलें। गो ग्रीन, जय भारत।